जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। गाइस, 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एग्जाम लेवल के। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइस, क्लास का जो टाइम है, पहली जो क्लास होती है दोपहर 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो घाटा आपको ही होगा। किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए क्लास का टाइम, पहली क्लास 12 बजे, दूसरी क्लास रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है, और इस बार वर्दी लेकर ही रहनी है। चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक कर देंगे और खूब पढ़ाई करेंगे और अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मागधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ट लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। बताइए क्या आंसर होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन जो डी है आपका ब्राह्मी लिपि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छा से छतरी वर्ण किसके योग से बना है? बताइए क्या आंसर होगा। का प्लस सा षट्कोण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतस्थ नहीं है? ता, ना, दा या फिर टा। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतस्थ नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका टा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की है कि का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? होष्ठ, कंठस्थ, नासिक, तालु। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का वर्ण जो है उच्चारण है कंठस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? पा, टा, दा, था। बताइए क्या आंसर होगा। कौन सा वर्ण घोष है? दा से दबायत। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से इस वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए क्या आंसर होगा। नमें क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी ये बताना है आपको। ऑप्शन सी जो है आपका शीर्षक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है बताइए। शुद्ध वर्तनी किसकी शुद्ध होगी बताइए, किस वाक्य की वर्तनी शुद्ध है? मंत्रिमंडल। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतिथि, अतिथि की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? 11वें क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्ति बताइए, शुद्ध वर्तनी क्या होगी 12वें क्वेश्चन की? पूर्ति कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाधन आत्मा से शब्द क्या बनेगा? काफी जी आसानी से आप बता सकते हैं। महाधन आत्मा से शब्द क्या बनेगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका महात्मा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रमाधन ईश बराबर रमेश, इनमें से कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि या फिर गुण संधि। बताइए क्या आंसर होगा। रमाधन ईश बराबर रमेश, इनमें से कौन सी संधि है? गुण संधि। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा?
उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरणोच्चारण। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई में घर या रसोई का घर? तो इसमें समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। प्राचीनतम वेद के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा वेद है प्राचीनतम वेद? प्राचीनतम वेद जो है वो होगा ऋग्वेद। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्य तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ देवताओं का आहन करने के लिए मंत्र है। ये सनातन धर्म का आरंभिक स्त्रोत है। इसके श्लोकों भजन की संख्या 1028 है, जिसमें देवताओं की स्मृति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग, वसुमित्र। महान व्याकरणविद पतंजलि पुष्यमित्र संघ के दरबार में रहते थे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक महाभाग की रचना की। पतंजलि पुष्यमित्र संघ के पुरोहित भी थे। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग, तभी आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सकती है और आप अपनी तैयारी परख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा, बाबर, शाहजहानामा, मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा, हुमायूं, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर। बताइए क्या आंसर होगा। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी कि हुमायूं नामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के जीवन एवं उपलब्धियों का विवरण है। तुजुक ए जहांगीर गिरी जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा है। बाबर नामा की रचना बाबर ने तुर्की में की थी और शाहनामा के लेखक मोहम्मद ताहिर इनायत खां हैं। इस क्वेश्चन से सी वाला जो ऑप्शन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त। किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन सी जो है आपका, शेरशाह सूरी के समय में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 के शासनकाल में भारत की पहली मुद्रा रुपया मुद्रित की गई। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस एक की स्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की, आयंगर समिति की, ठक्कर आयोग की। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका, स्वर्ण सिंह समिति की, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 5A के तहत अनुच्छेद 51A को जोड़कर उसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की स्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई। तो इस क्वेश्चन का भी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी का सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। कामनी और हेमवती और अमरावती तीनों ही कावेरी नदियों की सहायक नदियां हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? सिल्ट मिट्टी, मटियार, दोमर मिट्टी, बलुई मिट्टी, उपयुक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? सिल्ट मिट्टी, मटियार, दोमर मिट्टी, बलुई मिट्टी। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक मटियार मिट्टी में पाया जाता है, क्योंकि सिल्ट तथा बलुई मिट्टी भी दोमट मिट्टी के ही भाग हैं, जो क्रमशः 20% तथा 40% कण के रूप में दोमट मिट्टी में शामिल रहते हैं। अतः विकल्प जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्राइम मेरिडियन पर, अंटार्कटिका पर। बताइए क्या आंसर होगा। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ऑप्शन जो ए आपका, विषुवत रेखा पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिन और रात विषुवत रेखा पर लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण वर्ष वर्ष लंबवत पड़ती हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल राजा जिसे गंगई कोड कहा जाता है, राज राज राजेंद्र, कुलोत्तुंग या फिर मनु नीमी। बताइए क्या आंसर होगा।
चोल राजा जिसे गंगोई कोड कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राजेंद्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा नदी तथा सफल सैनिक अभियान के पश्चात गंगई कोर की उपाधि धारण की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले आहार का प्रमुख, राजस्व का प्रधान, समन्वयक तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सामान और सैन्य प्रकारों का प्रभारी अधिकारी किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? अशोक ने रज्जुक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नौ सैनिक शक्ति था? बहमनी, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, बताइए क्या आंसर होगा। इनमें से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? ऑप्शन सी जो है आपका चोल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी नौसैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी। इसकी सहायता से चोलों ने जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी गुप्त शासन में, मराठा शासन में, विजयनगर शासन में, चोल शासन में, बताइए क्या आंसर होगा। अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका मराठा शासन में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन हेतु अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी जिसके अंतर्गत आठ मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। इसमें पेशवा, अमात मंत्री, वाकई नसीब, सचिव, सुमत सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनाइहिलेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक कौन है? अनाइहिलेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन जो बी है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनाइहिलेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। यह पुस्तक सर्वप्रथम 15 मई 1936 को प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया तथा हॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द अनशेप्ड नामक पुस्तक भी लिखी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट, गुप्त काशी, क्या आंसर होगा। कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका गोविंद घाट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? जर्मनी, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, जापान। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, ये बताना है आपको। ऑप्शन जो बी है आपका सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। भारत में भिलाई इस्पात कारखाना सोवियत संघ की तकनीक एवं आर्थिक सहायता में 1953 में स्थापित की गई। भिलाई रामपुर से 21 किलोमीटर दूर मुंबई कोलकाता मुख्य राज रेल मार्ग पर स्थित है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, बर्नपुर, बताइए क्या आंसर होगा। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी जो है आपका जमशेदपुर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला लौह इस्पात औद्योगिक संकुल का विकास निजी प्रयासों में साकची जमशेदपुर नामक गांव में शुरू हुआ। यहां लोहा इस्पात उद्योग 1907 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1911 ईस्वी में यहां लोहा एवं 1913 में लोहा इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है, ग्रीष्म, बसंत, पतझड़, शीत, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बसंत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बसंत ऋतु का समय तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? मिशिगन झील, हुरन झील, सुपरियर झील, इरी झील,
क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? ऑप्शन ए जो है आपका मिशिगन झील, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के मध्य स्थित पांच महान झीलों में से एक मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र संघ में पांच महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद या फिर न्यायसत्ता परिषद, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका सुरक्षा परिषद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में पांच स्थायी सदस्यता वाले देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनको सुरक्षा परिषदों में वोटों की शक्ति प्राप्त है, इस वोटों में निषेधाधिकार का उपयोग ये शक्तियां सुरक्षा परिषद में करती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियां की शाखाएं मौजूद हैं? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी जो है आपका 3, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान का भाग 18 आपात उपबंधों संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, क्या आंसर होगा? मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी जो है आपका राष्ट्रपति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 148 एक के अनुसार मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन्हें अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बने रहने का अधिकार होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सोलिसिटर जनरल, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। वह राज्यपाल के प्रशासनिक पद धारण करेगा। महाधिवक्ता ऐसा प्रशासनिक पद प्राप्त करेगा जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित होगा। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 239, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका अनुच्छेद 239, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशस्त्र सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जालियांवाला बाग त्रासदी से, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत एवं मारे गए थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफार खान। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खान अब्दुल गफार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने गए। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के छेड़े जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन। मुंडा जनजातियां अधिकांश बसी हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड। मुंडा जनजातियां अधिकांश बसी हैं, ऑप्शन जो डी है आपका झारखंड में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंडा जनजातियां अधिकांश झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बसी हुई हैं। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियां पाई जाती हैं। असम में
बोडो, राबा, दिमारा आदि जनजातियां निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में कोल, खरवार आदि पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन जो डी है आपका पंजाब में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौह अयस्क झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इत्यादि में प्रमुखता से प्राप्त किया जाता है। पंजाब में लौह अयस्क की खानें नहीं प्राप्त हुई हैं, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्षद्वीप टापू ये कहाँ पर अवस्थित है? लक्षद्वीप टापू कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है आपको। ये अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप टापू समूह अरब सागर में अवस्थित है, जो दक्षिणी पश्चिमी भारत में पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर में, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर में, लाल सागर को हिंद सागर से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को समृद्ध करने वाली एक नहर है। सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंट की देख रेख में स्वेज नहर का निर्माण हुआ। यह नहर 165 किलोमीटर लंबी, 48 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 10 वर्ष में हुआ। यह 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत बताती है, ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर से वायुमंडल की एक परत। ओजोन परत समता मंडल में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर जाने पर विद्यमान है। यह सूर्य द्वारा विकृत प्रावैगिनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, कौन सा अधिकार नहीं देता, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो बी है आपका राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्य के निर्वहन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन जो डी है आपका देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व का विकास है। चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में वार्ता के पश्चात 29 अप्रैल 1954 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की, जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए। यह पंचशील सिद्धांत कहलाता है। पहला, एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोपरिता का आदर करना। दूसरा है पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता। चौथा है समानता व पारस्परिक सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। जय जवान जय किसान का नारा ये किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1965 के पाकिस्तानी हमले तथा अमेरिका द्वारा गेहूं ना देने के मंसूबों को देखकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा। कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है? आलू, गेहूं, जौ, गन्ना। कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है? ऑप्शन जो ए है आपका आलू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलू अधिकतम नाइट्रोजन चाहने वाली फसल है। 1 हेक्टेयर आलू के उत्पादन के लिए लगभग 170 से 180 किलोग्राम होता है, और इसके उर्वरकों की आवश्यकता भी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आए परिवर्तनों के कारण होती है? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका उनके अपने मूल्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
किसी वस्तु में मांग वक्र में गतिशीलता वस्तु के अपने मूल परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है तथा मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? केंद्रीय सरकार, एसोचैम, भारतीय रिजर्व बैंक, फिक्की। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के नियमन तथा समायोजन तथा ब्याज दर में परिवर्तन के द्वारा मूलतः रोजगार की स्थिरता, आर्थिक समृद्धि तेज करने तथा विदेशी भुगतानों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। भारतीय मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है तथा वही देश में शाखा नियमन व नियंत्रण करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? रॉबिन्सन, जे एल मिल, एडम स्मिथ, किंच। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका रॉबिन्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुजरांवाला बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो बी है आपका अंग्रेजी फैक्ट्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन जो बी है आपका 29 जून 1968। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वीडन की किस किशोरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संकट को गंभीरता से लेने और इस पर कदम उठाने का संदेश दिया है? ऑप्शन सी जो है आपका ग्रेटा थुनबर्ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए। स्वीडन की 16 साल की किशोरी ग्रेटा थुनबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संकट को गंभीरता से लेने और इस पर कदम उठाने का संदेश दिया। ग्रेटा पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिम चलाने के बाद दुनिया भर में चर्चित हुई। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए होने वाले प्रदर्शनों का पोस्टर पोस्टर गर्ल है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, हामरू जलमरुस्थम से होने वाले तेल निर्यात के रास्ते में किस देश के दो तेल टैंकरों पर हमला हुआ है? इराक, फ्रांस, सऊदी अरब, ईरान। ऑप्शन सी जो है आपका सऊदी अरब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हामरू जलमरुस्थम से होने वाले तेल निर्यात के रास्ते में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमला हुआ। यूएई के विशेष आर्थिक जोन में टैंकरों पर उस समय हमला किया गया जब ये जहाज अरब खाड़ी को पार कर रहे थे। जहाजों पर फुजैरा शहर के अपतटीय क्षेत्र पर हमला किया गया। ज्ञात है कि फुजैरा पोर्ट यूएई का एक अकेला ऐसा टर्मिनल है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका प्रशांतक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानसिक रोगों के उपचार के लिए काम में आने वाली दवाएं प्रशांतक कहलाती हैं। ये दवाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊंचे केंद्रों पर कार्य करती हैं। नींद की गोलियां इन्हीं से बनती हैं। कुछ प्रशांतक दवाओं के नाम हैं बायोटिक अंग, बोविटॉल, थर्मोपेनाल एवं इवक्लिन। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूटक किसमें नहीं पाया जाता? कूटक किसमें नहीं पाया जाता ये बताना है आपको। तो कूटक जो है ये शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? फैक्टोस, ग्लूकोस, लैक्टोस, माल्टोस। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर बताएं सही बच्चे। ग्लूकोस बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेलुलोज तीनों पॉली सैकेराइड शर्करा के उदाहरण हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर, प्लेग, एड्स, गुनोरिया। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत प्लेग को कहते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे प्राचीन महामारी प्लेग को टाउन ब्लैक डेथ तथा पेस्ट नामों से भी जाना जाता है। इस रोग का कारक पाशरेला पेस्ट जीवाणु है। यह रोग मुख्यतः कृंतक प्राणियों मुख्यतः चूहा से फैलता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तारे पूर्व से पश्चिम से किस कारण ज्यादा दिखते हैं? ऑप्शन जो डी है आपका, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो आपको ध्यान रखना कि पृथ्वी द्वारा अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? ऑप्शन जो बी है आपका, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा की त्रिज्या तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होने के कारण वहां पलायन वेग बहुत कम होता है, जिसके कारण वहां वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसलिए अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू की शरबत नहीं पी सकते। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, यह क्या कहलाता है? राडार, सोनार, पुकार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है आपका, सोनार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोनार द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है, इसके लिए पराशर तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? कौन तय करता है? ऑप्शन जो ए है आपका, द्वारक, एफ, चर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैमरे में प्रतिबिंब को तीक्ष्णता द्वारक के आकार पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? किस प्रयोजन से होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से एक बार, किस प्रयोजन से होता है? ऑप्शन जो डी है आपका, समुद्र से विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश का प्रयोग समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करने और उन्हें चेतावनी देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका जाए तो जहां पर पत्थर गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में अनुदैर्ध्य तथा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत अनुप्रस्थ होती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है 1 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड या फिर 2 सेकंड, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका, 2 सेकंड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लोलक वह लोलक होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, प्रत्यास, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका, विद्युत चुंबकीय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक तरंगे मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे एवं अनुदैर्ध्य तरंगे। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा की दिशा दर्शाती है, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित धारा, यांत्रिक बल। ऑप्शन जो बी है आपका, चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डायनमो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का परिवर्तक है, ऊर्जा संचित करने का यंत्र है, विद्युत चुंबक है, बताइए क्या आंसर होगा?
डायनामो क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका जोसेफ आस्कडिन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीमेंट की खोज जोसेफ आस्कडिन ने 1824 ईस्वी में की। इसका रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड ने द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण इन्होंने इनका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। उपरत संयंत्र, सीमेंट उद्योग, थर्मल पावर प्लांट संयंत्र, आटा मिल। ऑप्शन जो बी है आपका सीमेंट उद्योग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है जो वातावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाभिकीय रिएक्टर में मंधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल, पेट्रोलियम, ऑक्सीजन, लकड़ी। नाभिकीय रिएक्टर में मंधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका भारी जल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हाइड्रोजन गैस, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक, लगभग 150 किलो जूल ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। रक्त परिसंचरण की खोज वर्ष 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिटुमिन कोयले में कार्बन की कितनी प्रतिशतता होती है? जल्दी से आंसर दीजिए। 96, 65, 38 या 15। ऑप्शन जो बी है आपका 65, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिटुमिन कोयले में कार्बन की मात्रा 65% होती है। अगला क्वेश्चन, नाभिक में न्यूक्लियस परस्पर बने होते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका नाभिकीय बल में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल, अगर कैलोरी एम्पियर। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य परमाणु संख्या वाले तत्वों में यदि समान प्रोटॉन हो किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो तो ये क्या कहलाते हैं? सो गाइस, ये कहलाते हैं समस्थानिक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। ऑप्शन जो डी है आपका 180 से 200 mg, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg से ज्यादा होता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है, इसे एस्टोकोलोरिस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह एक तरह संयोजी ऊतक है जो दो भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55% एवं रुधिर द्रावण 45%। रुधिर का प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थों एवं ऑक्सीजन का संवहन करना है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। ऑप्शन जो बी है आपका 300 ग्राम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इस्मेटिक हृदय रोग इलाज किसकी मदद से किया जाता है? ऑप्शन जो ए है आपका स्प्रिन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्प्रिन की मदद से रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दिल की फुसाहट मरमर में क्या पता चलता है? फुसफुसाहट में, दिल की फुसफुसाहट मरमर में क्या पता चलता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। दोषपूर्ण कपाट वाल्व, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।